पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण विकासखंड स्तर पर किया गया। जयंती के अवसर पर फतेहपुर जनपद में कृषि उत्पादन विभाग एवं विकास खंड के सहयोग से प्रदेश से सहायता प्राप्त कृषकों की आय बढ़ाने एवं उनके सतत कल्याण के लिए संकल्पित कार्यक्रम का आयोजन आज प्रातः 10 बजे से हुआ। कार्यक्रम पर प्रत्येक विकास खंड स्तर पर संयोजन कृषि विभाग द्वारा सहकारिता, पशुपालन, उद्यान, दुग्ध विभाग, गन्ना विभाग एवं ग्राम विकास विभाग आदि से संबंधित लाभों एवं संबंधित अधिकारी के समक्ष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम पर लगभग 1000 से ज्यादा कृषकों ने भाग लिया। गोष्ठी का आयोजन प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसका क्रियान्वयन उच्च अधिकारियों द्वारा कृषि उत्पादक उच्च आयुक्त के दिशा निर्देश द्वारा किया गया। कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन कृषकों को संबोधित किया गया तथा कृषकों के बैठने की व्यवस्था हेतु विकास स्तर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल तहत उचित व्यवस्था की गई। विकास खंड स्तर पर पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के तैनाती कर्मी भी शामिल रहे तथा पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन से जुड़े कृषकों का भी विकास स्तरीय गोष्ठी में सहयोग रहा। माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन व किसान मेला गोष्ठी एवं प्रदर्शनी में कृषकों के लिए जलपान की भी व्यवस्था रही। कृषक मेला के आयोजन पर कार्यक्रम बहद रूप से खंड विकास अधिकारी एवं श्रम एवं रोजगार उपायुक्त, उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, उद्यान जिला अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, अधिशासी अभियंता, विद्युत बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी, बिंद की अधिशासी अभियंता, विद्युत द्वितीय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारियों का विशेष सहयोग रहा। फतेहपुर जनपद में समस्त ब्लॉक स्तरों पर बखूबी कार्यक्रम सफल रहा, जिसमें विकास खंड तेलियानी, भिठोरा, असोठार, हसवा, विजयपुर, हदगांव, धाता एरिया, मलवा, खजुआ, देवमई, अमोली ब्लॉक विशेष रूप से विकास खंड में अग्रेषित रहे। कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है, जहां भी उन्हें सबसे ज्यादा लाभ मिलता है मंडी में। हम चाहते हैं कि हमारे किसानों को, कृषि सेक्टर को किसी तरह का विकास करने का अवसर मिले, जैसा पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर को मिला है। हमारे किसानों की सेवा व्यवसाय के कई तरह के प्रतिस्पर्ध रहेंगे, तो उन्हें अपनी उपज का ज्यादा लाभ भी मिलेगा और बाजार तक उनकी बेहतर पहुंच भी संभव होगी। साथियों, नए कृषि सुधारों के जरिए भारतीय कृषि में नई टेक्नोलॉजी को भी प्रवेश मिलेगा। आधुनिक तकनीक के जरिए हमारे किसान अपनी उपज को बढ़ा सके, अपनी उपज को विविधता दे सके, अपनी उपज की बेहतर ढंग से पैकेजिंग कर सके, अपनी उपज में वैल्यू एडिशन कर सकेंगे। एक बार ऐसा हो गया तो हमारे किसानों की उपज की पूरी दुनिया में मांग होगी और ये मांग और लगातार बढ़ेगी। हमारे किसान सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि खुद निर्यातक बन सकेंगे। दुनिया में कोई अगर कृषि उत्पादों के जरिए बाजार में अपनी बात जमाना चाहेगा तो उसे भारत आना पड़ेगा। अगर दुनिया में कहीं भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की जरूरत होगी, उन्होंने भारत के किसानों के साथ साझेदारी करनी।